गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अभी तो मैं कॉलेज आ गया हूं। अभी बज रहे हैं साढ़े दस हो रहे हैं और आज जो है वो हमारे कॉलेज जो कि जी बी पंत कॉलेज है और जो जी बी पंत है उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। वैसे कल है उनकी बर्थ एनिवर्सरी बट आज सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी होती है। तो अभी चलते क्लास में, देखते क्या माहौल है। बाकी सजावट कर रखी है वो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जब रियल में सेलिब्रेट करेंगे ना फिर वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज तो फुल सेलिब्रेशन होगा भाई, आज है एनिवर्सरी। ये देखो सजा रखा है, ये भाई सजावट। आज तो वॉच पहन आया नहीं। अरे नहीं, ये मैंने भाई, मेरे भाई ने दे दी मुझे। वो स्कूल जा रहा था। क्या शुरू हो जाओ, मतलब यूट्यूब बनाना फिर से। आज व्लॉग बनाएंगे, आज एनिवर्सरी है ना, बर्थ एनिवर्सरी। आज जलेबी और लड्डू मिलेंगे सच में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। A few moments later. यही तो सर है, और तो भाई आई नहीं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, देश के चौथे गृह मंत्री, जो सरकारी मीटिंग में होने वाले चाय नाश्ते का खर्च अपनी जेब से भरते, वो व्यक्ति जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते। नमस्कार माननीय परीक्षा निदेशक, शिक्षकगण व मेरे सभी सहभागी, मैं हूँ मुस्कान और आज हम जानेंगे महान क्रांतिकारी धुरंधर वकील यूपी के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में। भारत के सबसे कुशल प्रशासकों में से एक तथा प्रमुख स्वतंत्र सेनानी गोविंद बल्लभ पंत आधुनिक भारत के रूपरेखा निर्माण के लिए याद किए जाते हैं। वर्तमान भारत के मौजूदा स्वरूप के लिए उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। वे भारत के जाने माने व्यक्ति के साथ साथ उत्तर प्रदेश बनने के पहले मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। वे भारतीय आंदोलनों में भाग लेने वाले सबसे प्रसिद्ध सेनानी। आज पूरे भारत के उनके नाम पर दर्जनों भारतीय अस्पताल, फाउंडेशन और शैक्षणिक संस्थान है जिसमें हमारा ये इंस्टीट्यूट भी शामिल है।
के राजनेता के रूप में गोविंद बल्लभ पंत जी ने निर्देश होकर देश की प्रगति में अपना योगदान दिया है। आजादी के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन में उनका अहम योगदान रहा है। इसके साथ ही हिंदी भाषा को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहली बार बल्लभ पंत जी ने पहल की। बल्लभ पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में खोद नामक गांव में 10 सितंबर 1887 में इनका जन्म हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी वॉज बोर्न ऑन 10 September 1887 इन खुंत विलेज नियर अल्मोड़ा इन अ मराठी कराटे ब्राह्मण फैमिली। हिज मदर नेम वॉज गोविंदी बाई एंड हिज फादर मनोरथ पंत वॉज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। ही स्टडीड एट अलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड सब्सिक्वेंटली वर्कड एज अ लॉयर इन काजीपुर। हियर ही बिगन हिज एक्टिव वर्क अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन 1914। In 1921, he entered politics and was elected to the Legislative Assembly of United Province of Agra and Aur. Known as an extremely capable, efficient lawyer, Pant ji was appointed by Congress Party. A few hours later. तो आज की वीडियो में यार काफ़ी ज़्यादा मतलब आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छा था क्योंकि आज हमने 135th एनिवर्सरी बनाई थी जीवी पंत जी की। और उसके बाद हमने थोड़ा खेला, खेलने की वीडियो इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि यार कुछ था नहीं, मतलब ऐसे एक मैच करा और फिर उसके आधे बाद घर आ गए, तो मतलब कुछ खास किया नहीं था। तो आई होप आपने स्पीच भी सुनी होगी दो लोगों की, तो वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो जो आपको और भी कुछ अगर जीवी पंत जी के बारे में पता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। बाकी आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।